हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास दिस योर दिस इज योर मैथमेटिक्स क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर तो बच्चों लास्ट टर्म पे मैंने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन हमारे हमारे उसके लिमिट्स क्या होती हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स कितने टाइप के होते हैं और जो मैं स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं वो क्या होते हैं कितने टाइप के होते हैं और हाँ उसका प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम में डिस्कस की थी तो उसको आप अपनी कॉपी में एक अच्छा नोट्स बनाते हुए चलिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो आज हम डिस्कस करेंगे रॉ और अनग्रुप्ड डाटा की रॉ डाटा हमारा क्या होता है जब हम एक्स वाई जेड किसी से भी कुछ डाटा या फिर कुछ ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते डाटा छोड़िए आप सिंपल लैंग्वेज समझिए हम जब कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो जो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मान लीजिए हमने दस लोगों से पूछा कि आपका वेट कितना है ठीक है तो उन्होंने बताया कि हमारा वेट किसी ने कहा हमारा वेट फोर्टी के जी फोर्टी के जी है ठीक है फिर किसी ने कहा कि एक किसी ने कहा कहा हमारा वेट फोर्टी वन के जी है फोर्टी वन के जी फोर्टी तो वन इसमें नहीं है, है। हाँ मान लीजिए हमने कि अपना एक किसी से एक दस लोगों से कलेक्ट किया और उनसे पूछा कि आपका वेट क्या है ठीक है तो उन्होंने अपना डिफरेंट डिफरेंट वेट बताया किसी ने कहा हमारा वेट फोर्टी के जी है किसी ने कहा फोर्टी वन के जी है किसी ने कहा थर्टी के जी है किसी ने कहा थर्टी फाइव के जी है इसी तरीके से करके हमारे दस लोगों ने अपना कुछ वेट बताया अब जो हमें वेट इनका मिला जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली जिसको हम डाटा कहते हैं वो चीज़ हमारे पास कुछ इस तरीके से फोर्टी फोर्टी वन हो गया मान लीजिए किसी का थर्टी टू के जी है ठीक है किसी का थर्टी वन के जी है किसी का फोर्टी फाइव के जी है किसी का हमारा थर्टी नाइन के जी है किसी का हमारा थर्टी टू थर्टी थ्री के जी है और किसी का हमारा फोर्टी एट के जी है ठीक है ये हमारे पास कुछ दस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई अब हम इसमें से क्या करें ये जो हमें कलेक्शन मिला है डाटा का वो एक रॉ फॉर्म में है ना तो इसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा क्या कहते हैं हम हम अनग्रुप्ड डाटा या फिर रॉ डाटा यानी कि बिखरा हुआ है कोई हमारा मैनेजमेंट नहीं है इसमें कुछ सीरियल से नहीं है ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमारा सिर्फ एक रफली हमने एक डाटा कलेक्ट कर लिया तो ये हमारा कहलाता है रॉ या फिर अनगुप्त डाटा अब इसे हम मैनेज करने के लिए दीज आर ओरिजिनल डाटा इन ओरिजिनल डाटा है हमने जो कलेक्ट किया है दे कैन बी अरेंज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज अब जो हमारे पास ये डाटा कलेक्ट हुए हैं इसको हम तीन तरह से एक रा, रा, राइट वे में उसको हम लिख सकते हैं या तो हम उसे सीरियल से लिखेंगे यानी कि जैसे जस, जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया है वैसे वैसे जैसे मान लीजिए पहले हमने फोर्टी एट लिया है फिर फोर्टी लिया है फिर फोर्टी वन लिया है फिर थर्टी लिया थर्टी फाइव लिया है हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आपका बड़े से छोटा बड़ा सबसे बड़ा ये हो गया फिर उसके बाद सबसे छोटे हमारे ये हैं यानी कि हम बड़े से छोटे में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका मतलब हम अपने छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे हम इस तरीके से अपने रॉ या फिर अनग्रुप्ड डाटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं फिर आता है हमारा अनग्रुप्ड डाटा अनग्रुप्ड डाटा क्या हो सॉरी ग्रुप्ड डाटा ग्रुप्ड डाटा हमारा क्या होता है व्हेन द रॉ डाटा इज कन्वर्टेड इन टू ग्रुप It is known as group data the raw data when put in ascending or descending of magnitude it called uh, it is called array for example 50 students obtained the following marks in the test or sci of science is 41 23 6 32 and so on up to 32 tak hai. तो अब हम जब रॉ डाटा को किसी एक वे में लिखते हैं या फिर असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में मतलब मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं इसको तो कुछ हमें मिलेगा अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं इसको तो मिलेगा टू थ्री फोर सिक्स सिक्स सेवन नाइन टेन अलेवन थर्टीन फिफ्टीन 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 सेवेंटीन सेवेंटीन एटीन एटीन एंड सो ऑन फोर्टी नाइन तो जब हमने ये अरेंजमेंट कर दी है तो ये हमारा एक सीक्वेंस में हो चुका है ठीक है और फिर हम बात कर रहे हैं ग्रुप की ना ये हमें रॉ में मिला था रॉ से हमने किस में असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे इसको उसको करने के बाद हम एक ग्रुप डिवाइड करेंगे ग्रुप जिसको आप क्लास इंटरवल के नाम से जानते हो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है टू और सबसे बड़ा क्या है हमारा फोर्टी नाइन ठीक है तो हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि टू और फोर्टी नाइन नंबर सब में आ जाए तो टोटल कितने हैं हमारे फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं तो हम इसको टेन टेन के ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे यानी कि कुछ हमारा हो गया जीरो से टेन मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं फिर टेन से ट्वेंटी मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं ट्वेंटी से थर्टी मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं फिर हमारा थर्टी से थर्टी से फोर्टी मार्क्स पाने वाले कितने हैं और 40 से फिफ्टी मार्क्स पाने वाले कितने हैं अगर हम एक ग्रुप में जैसे ये हमने ग्रुप डिवाइड किया था ना तो जब हम एक ग्रुप को जो हमारा अनग्रुप्ड डाटा होता है उसको हम एक मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख कर और जब हम एक ग्रुप डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम ग्रुप्ड डाटा कहते हैं ठीक है क्योंकि हमारे अब डाटा जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग ग्रुप में कर रहे हैं जनरली जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है वो ग्रुप्ड डाटा के लिए ही बिहेव करता है क्योंकि हम लोग इसको इतने बड़े स्केल में करते हैं कि जो हम लोग जैसे आपका ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं ऑल ओवर कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा अनग्रुप्ड डाटा फेल हो जाता है फेल इसलिए हो जाता है कि नंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं मान लीजिए हमने फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड लोग की या फिर फिफ्टी थाउजेंड लोग की बात अगर हम कर रहे हैं तो इतने लोगों का हमें लिखना बहुत ही मुश्किल है कि मान लीजिए फाइव थाउजेंड लोग हैं उन्होंने इतने 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 मार्क्स पाए हैं हर सब्जेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वो आपका लिखने के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर आपके पास उतना स्पेस नहीं है ना तो आपके पास इतना टाइम है तो इससे बेटर है कि हमने कुछ ग्रुप डिवाइड कर दिए अगर हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं तो ज़ीरो से हंड्रेड फिर हंड्रेड से टू हंड्रेड तो हम जब ग्रुप डिवाइड करते हैं तो हमारे लिए किसी बड़ा सा बड़ा इन्फॉर्मेशन क्यों ना मिल जाए बड़ा से बड़ा डाटा क्यों ना मिल जाए हम उसको ईजली सॉल्व कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे कैसे हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को छोटे में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही कम टाइम में ठीक है तो नेक्स्ट चीज़ें हमारी फ्रिक्वेंसी इसको आप लिखते जाइए सारी कॉपी में फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्ज़र्वेशन ऑकर्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है जब हमारे कोई एक पर्टिकुलर नंबर बहुत उसकी ऑब्जर्वेशंस कई बार होती हैं यानी कि उसका रिपीटेशन कई बार होता है यानी कि अगर मान लीजिए दस बच्चों ने साइंस में कुछ मार्क्स पाए हैं और उनके मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं फाइव फाइव टू सिक्स एट फिर हो गया हमारा एट 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 नाइन और टेन ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जो कि बच्चों ने पाए हैं यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है आपका एट ये हमारा चार बार रिपीट हुआ है तो एट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी मतलब जब कोई नंबर कई बार रिपीट होता है या फिर कोई ऑब्जर्वेशन कई बार हमारा रिपीट होता है तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन कहलाती है ठीक है नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ द डाटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स जब हम अपने जो हमारे अभी हमने मान लीजिए डाटा जो लिया था जो था हमारा टू फाइव 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 एट फिर था हमारा एट एट एट, एट नाइन और टेन इसको जब हम एक टेबल में लिखते हैं जब टेबल में शो करते हैं यानी कि ज़ीरो से ज़ीरो से टू पाने वाले फिर टू से फोर पाने वाले फिर फोर से सिक्स पाने वाले और सिक्स से हमारा एट और एट से टेन के बीच में कितने लोग थे जब हम ये निकालते हैं यहाँ पे कितने थे यहाँ पे कितने थे यहाँ पे और यहाँ पे हमारे कितने लोग थे उसके बाद जो हमें एक मिलता है ज़ीरो से टू पाने वाले एक थे टू के फोर के बीच में कितने थे हमारे एक थे तो इस तरीके से जो हमें एक हम यहाँ पे जो डाटा निकालते हैं वही हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है जो उसके जो हम एक टेबल में शो करते हैं अपने डाटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी हमारा टू टाइप्स के होते हैं कौन कौन सा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड Continuous frequency distribution. What is our discrete frequency distribution? The process of preparing this type of distribution is very simple. It is done by the use of method by telemarks. The bar called a telemark is put against the number when it occurs. फोर स्ट्रेट लाइन्स आर मार्क् वेन अ नंबर ऑकर्स फोर टाइम एंड द फिफ्थ इज रिप्रजेंटेड बाई पुटिंग अक्रॉस टेली ऑन द फर्स्ट फोर टेलीज अगर लास्ट ईयर आपने मेरी क्लास की होगी तो मैंने आपको टेलीमार्क्स अच्छे से समझाया है कि हमारा टेलीमार्क्स क्या होता है और उसे हम कैसे लिखते हैं पहले तो आप देखिए टेलीमार्क्स होते क्या हैं टेली मार्क हमारा एक जैसा आप रोमन मार्क्स पढ़ते हो ना रोमन नंबर आपका इंडियन नंबर वैसे ही हमारा एक होता है टेली मार्क स्टैटिस्टिक्स में हम जिसका यूज़ करते हैं जैसे आप रोमन नंबर में वन को आप लिखते हो यू तो वन का टेली मार्क होता है हमारा ये टू का होता है जब हम ये थ्री का होता है एक दो तीन चार का होता है एक दो तीन चार पाँच का होता है वन टू थ्री फोर एंड लास्ट फाइव जब फोर को ये हमारा कट कर देता है तो वो हमारा क्या होता है फाइव तो हम फाइव को टेली मार्क में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब अगर हमारा सिक्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे वन टू थ्री फ़ोर दिस इज फाइव एंड सिक्स ठीक है अब हमारा टेन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरीके से हम अपने टैली मार्क्स को लिखते हैं और जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं हमें कुछ एक रॉ नंबर मिलता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब उसको हम सीक्वेंस में लगाते हैं उसके बाद हम टेब टेबल बनाकर टेली मार्क्स से उसको शो करते हैं तो वो होता है हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइए हम देखते हैं इसको एक टेबल के थ्रू कि हमारा क्या होता है यहाँ पे हमारा एक एग्ज़ाम्पल दिया है दिस प्रोसेस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द नंबर ऑफ ट्वेंटी चिल्ड्रे चिल्ड्रेंस इन ट्वेंटी फैमिली हमारी ट्वेंटी फैमिली है जिसमें से बच्चे की संख्या दी हुई है एक फैमिली में एक बच्चा है फिर किसी फैमिली फिर दूसरी फैमिली में भी एक बच्चा है तीसरी फैमिली में दो हैं चौथी फैमिली में तीन हैं इस तरीके से हमारे कुछ बच्चे दिए हुए हैं ठीक है तो यहां पे आप देखिए हमारे वन कितनी फैमिली में है वन एक सेकेंड तुम्हारा वन कितनी फैमिली में है वन ये हो गया वन ये देखिए एक दो ये तीन ये चार एक ये पांच तो वन कितनी फैमिलीज में है हमारे पांच फैमिली में है तो देखिए इसको हमने बार से टेलीबार से दिखाया वन टू थ्री एंड फोर फाइव दो बच्चे कितनी फैमिली में हैं यहाँ से काउंट करके हम लिख देंगे टेलीबार्स में और उसकी ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं इस तरीके से हमारा जो एक टेबल तैयार होती है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट ओके तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हमारी तैयार होती है फिर दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी टाइप क्या है कंटीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अ कंटीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सच अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच डाटा आर अरेंज डाटा आर अरेंज इन क्लासेज और ग्रुप विच आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल दिस प्रोसेस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल हमारा कंटिन्यू फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये अभी जो हमने बात किया वो हमारा अनग्रुप्ड डाटा के बारे में हाँ अनग्रुप्ड डाटा के बारे में बात रहे थे हमारा जो डिस्क्रीट था वो अनग्रुप्ड डाटा की तरह वर्क कर रहा था हम अब हम जब कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी देखते हैं तो ये हमारा ग्रुप्ड डाटा के अंदर बात करता है यानी कि हम यहाँ पर कुछ ग्रुप बना के चलते हैं और ग्रुप डाटा में हम कैसे उसकी फ्रिक्वेंसी निकालते कैसे उसका टैली मार्क निकालते हैं और वहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी हम डिनोट करते हैं तो ये सब काम ये सब मैथ ये सब काम हम जिस मेथड के अंदर यूज़ करते हैं वो हमारा होता है कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइए उससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं वही सेम चीज़ हैं हमें स्टूडेंट्स बताने हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ मार्क्स ऑपटेन किए हैं ठीक है तो हमारे जो ऑप्टेनिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं किसी ने थर्टी फाइव पाए हैं किसी ने ट्वेंटी फाइव पाए हैं किसी ने फाइव पाए हैं किसी ने थर्टी थ्री पाए हैं नाइन्टीन पाए so हैं एंड सो ऑन नाइनटीन तक तो पहले हम इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको रखेंगे तो हमारा सबसे छोटा मार्क्स क्या है वन और सबसे बड़ा मार्क्स क्या है हमारे हमारा मिनिमम क्या है वन और हमारा मैक्सिमम क्या है मैक्सिमम मैक्सिमी फोर्टी सिक्स फोर्टी एट ठीक है तो इस तरह से हम करेंगे टोटल हमारे फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं तो हम इसे दस टेन टेन के साइज़ में बांट लेंगे यानी कि पहला हो जाएगा हमारा जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी और फोर्टी टू फिफ्टी इस तरीके से देखिए हमारी क्लासेस डिवाइड हो गई अब ज़ीरो से टेन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए जब हम क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो क्लास इंटरवल हमारा दो तरीके से होता है ठीक है दो तरह का क्लास इंटरवल होता है हाँ। दो तरह से हमारा क्लास इंटरवल होता है एक होता है इंक्लूसिव एक होता है हमारा एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव में हम लोग क्या बातें करते हैं जब हमारे पास जो क्लास इंटरवल होता है उसमें हम देखिए ज़ीरो से टेन के बीच की हम बात करें तो यहाँ पे हम जो नंबर्स देखेंगे ना ज़ीरो से नाइन यानी कि ज़ीरो से लेकर नाइन तक जितने बच्चे नंबर पाए हैं उसका हम यहाँ पे लिखेंगे टेन वाले को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे यानी कि टेन से पहले और ज़ीरो से बड़ा यानी ज़ीरो से लेकर नाइन तक जितने बच्चे नंबर पा रहे हैं उसको हम मेंशन करेंगे और फिर हमारा जब दूसरा होगा दूसरा हम क्लास इंटरवल में ट्वेंटी टेन टू ट्वेंटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम जितने बच्चे टेन पाए हैं वहाँ से लेकर जितने बच्चे नाइनटीन पाए हैं वहाँ तक की बात करेंगे यानी कि जो हमारा अपर लिमिट होती है ये हमारी लोअर लिमिट होती है यानी कि जो लोअर है वो टेन है और अपर है हमारी टू ट्वेंटी ठीक है जो हमारी अपर लिमिट होती है उसको टच नहीं कर पाता है जब हमारा कोई नंबर कोई हमारे मार्क्स हमारे या फिर कोई ऑब्जर्वेशन, तो वो होता है हमारा इंक्लूसिव ठीक है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और जब अगर हम जीरो से टेन की बात कर रहे हैं इसका मतलब ज़ीरो से लेकर टेन पाने वालों का नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं फिर दूसरा जब हम बनाते हैं इलेवन से लेकर ट्वेंटी मार्क्स पाने वाले यानी कि हम अब इसको हमारा जो अपर लिमिट है उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा लोअर लिमिट सॉरी वो हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है यानी कि हम यहाँ पे अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वो हमारा एक्सक्लूसिव होगा और जहाँ पे हम अपर लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं वो हमारा इंक्लूसिव मेथड होगा इस तरह से देखिए हमने नंबर ऑफ ज़ीरो से लेकर टेन यानी कि जीरो से नाइन तक वालों को यहाँ पे हमने काउंट करके लिखा फिर टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी एंड फोर्टी टू फिफ्टी टेलीबाज बनाए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने डिनोट कर दिया तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स अब इसके आगे का एक दो टॉपिक और है हमारा जो डिस्कस करने को और हम फिर क्वेश्चन पर आएंगे उसको सॉल्व करेंगे Till then, revise all the things and solve the examples. Okay, have a nice day, students.